मेरी शांति, मधुर शांति। संसार के रस ने तो उस जीव को सताया, लेकिन प्रभु रस ने इस जीव को रसवान हरि के नजदीक पहुंचाया। संसार का रस विकारों से विनाश की ओर ले जाता है, भक्ति का रस भगवान की ओर ले जाता है। संसार का रस जीव को पराधीन बनाता है और भगवत रस जीव को स्वाधीन बनाता है। संसार का रस वीरसता में बदल जाता है और भक्ति का रस सरसता में उभरता रहता है। बोतल की शराब शराबी का विनाश करती है, लेकिन हरि नाम की भक्ति की प्यालियां भक्त का बेड़ा पार कर देती है। डॉक्टर डायमंड ने प्रयोग करके साबित किया है कि डिस्को और पॉप संगीत से लोग नाचते तो सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते, लेकिन भारत के लोग जब भगवत भक्ति से नाचते झूमते हैं तो हृदय केंद्र विकसित होता है। सेक्सुअल केंद्र विकसित होने से जीवन शक्ति का ह्रास होता है और हृदय केंद्र विकसित होने से जीवन शक्ति का विकास होता है। डॉक्टर डायमंड की खोज को हम बधाई देते हैं। भगवत रस से भाव शुद्ध होते हैं और क्लबों के शराबी कबाबियों के नृत्यों से भाव कामी बनते हैं। जो रामी भाव है वे राम के रस को पाते हैं, कामी भाव कमर तोड़ प्रोग्राम के खड्डे में ले जाते हैं। इसलिए शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है। जिनके जीवन में गुरु भक्ति है, गुरु का ज्ञान है, भगवत रस और भगवत प्रसाद है। श्री कृष्ण कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्य उपजायते, वो संतर रस के प्रसाद से सारे दुखों का शमन होता है। बुद्धि में नित्य नवीन रस भगवान आत्मा का आने लगता है। यक्ष ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि भगवान हम आपके और गुण नहीं जानते, केवल एक ही गुण जानते कि आपके कमर में जो रस्सी बंधी है उसके साथ उखली खल बंधी है, खल, और उस खल ने भी नशे में चकनाचूर नलकुबर यक्षों का उद्धार किया। जब आपके कमर में बंधी रस्सी, रस्सी से बंधी खल, खलों के द्वारा भी जगत का उद्धार हो सकता है, तो आपके गुणों का हम बयान कैसे कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने धर्म के लिए, अपने अर्थ के लिए, अपने आरोग्य के लिए और अपने ईश्वर में सम और सुखी रहने के लिए संकल्प कर लेना चाहिए, सोच विचार लेना चाहिए। व्यास भगवान महाभारत में कहते हैं जो वर्ष के प्रथम दिन प्रसन्न होते हैं, उल्लसित होते हैं, आनंदित होते हैं, पवित्र होते हैं, उनका वर्ष भर उल्लास आनंद और हर्ष से बीतता है। जो वर्ष के प्रथम दिन गमगीन चिंतित और उदासीन होकर
आरंभ करते हैं उनका वर्ष भर लगभग ऐसा ही होता है। इसलिए रात को भले जल्दी थोड़ा सोना पड़े, सो जाना, लेकिन हरि कीर्तन ध्यान आनंद करते करते सो जाना, अंतरात्मा का आनंद, तो सुबह आनंद के भाव से उठना और फिर अपने चित्त को भगवान के रस से, भगवान के ध्यान से, भगवान के ज्ञान से और भगवान के मधुरता से मधुर करके जो श्वास चलता हो दायां या बायां, वही हाथ मुंह को घुमाकर, वही पैर धरती पे रखने से कार्यों में सफलता आती। कीर्तन भजन में जब शांति आनंद आए तो तुरंत उठ के नहीं जाना चाहिए, उस शांति में कुछ मिनटें पड़े रहना चाहिए ताकि उसमें आपका गहरा प्रवेश हो जाए। अपनी कमाई की मस्ती में पड़े रहो, बैठो, शोरगुल कोई करता हो तो उसको दूसरे लोग समझा देना, छोटे लोग होते हो ज्यादा हल्ला करते, जितने बड़े लोग होते उतने ज्यादा शांत होते। बड़ी उम्र से बड़प्पन नहीं आता, बड़ी समझ के धनी बड़े होते हैं। जो छोटी समझ वाले वो ज्यादा हल्ला करते, कम अकल वाले हल्ला ज्यादा करते, ज्यादा अकल वाले हल्ला पसंद नहीं करते। ओम शांति शांति। काम भी नहीं, फुर्सत भी नहीं। जय राम जी की। ऐसे मिलने वाले से मिलते कि फुर्सत ही नहीं और कोई बाहर का काम नहीं। हम चाहते हैं और भगवान कृष्ण भी चाहते हैं, भगवान नारायण भी चाहते हैं और भगवान शंकर भी चाहते हैं कि आप भी उसी से मिलो। शंकर जी वर्षों तक समाधिस्थ रहते। भगवान नारायण देवशयनी एकादशी को उसी आत्मा के ध्यान में लेट जाते, चतुर्मास तक लेटे रहते हैं। देव उठी एकादशी को उठते, देव जगी एकादशी आती ना, तब नारायण जगते। जब शिव जी वर्षों तक समाधिस्थ, नारायण महीनों तक रहते, तो हमको भी कुछ घंटे तक तो पड़े रहने दो अपने पिया के आनंद में, और आप भी कुछ मिनटों तक पढ़ने का अभ्यास करो। इसी से जगत का भला होगा। आप जितना ईश्वर में हो उतना आपके कण, आपके श्वासोश्वास जगत में सुख शांति फैलाएंगे। आप जितना ईश्वर में रहोगे, आप जिस धरती पे रहोगे वो धरती पावन होगी। आतंक से निपटना हो तो बमों के द्वारा आतंक से नहीं निपटा जाएगा। थोड़े वक्त के लिए भले लगे कि हमने आतंक को खत्म किया है, लेकिन आतंक आत्म शांति के परमाणु बढ़ेंगे और आतंक की पोल लोगों को पता चल जाए, जो आतंक का प्रचार करते उनको रोक दिया जाए और शांति का प्रचार करते उन भक्तों का प्रभाव वातावरण में बढ़े, तो आतंक का शमन हो जाएगा। शांति के प्रभाव से अशांति मिटेगी, सेवा के प्रभाव से स्वार्थ मिटेगा, सद्गुण के प्रभाव से दुर्गुण मिटेंगे। तो जो भजन करते हैं वो अपना तो भला करते हैं, लेकिन जिस घर में वातावरण में रहते हैं वहां भी भले तरंग फैलते हैं। कितनी सुंदर शांति, कितना मधुमय वातावरण, उठने की इच्छा नहीं होती। सभी मनुष्य दो ही चीजें चाहते, शांति और आनंद, शांति और रस आनंद। बस धन भी रस के लिए, आनंद के लिए, शादी भी आनंद के लिए, तलाक भी आनंद के लिए, फैशन भी आनंद के लिए और फैशन का त्याग भी आनंद के लिए, दान भी आनंद, आनंद कहो रस कहो। संसारी का आनंद टिकता नहीं और महापुरुष और भगवान का आनंद
मिटता नहीं। क्या ख्याल है? क्या अभी आप आनंद का कुछ कुछ कण आनंद का आस्वादन कर रहे हैं? अभी तो थोड़ा सा है, दरिया के नजीक जाते दरिया की ठंडक उतना ही है। अभी तो आनंद के दरिया में प्रवेश होगा तो क्या होगा? मीरा कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी नाचती है, कभी पद बनाकर गाती है। लोग उसे पागल कहते हैं, ग्वाल और गोपियों को लोग पागल कहते हैं। पागल कहने वाले पागल रह गए और मीरा और ग्वाल गोपियां तो तर गए। हाँ, तुमको भी कोई पागल कह दे तो फिक्र मत करना। मंसूरी मस्ती को लोग बेचारे क्या जाने, साधक की आंतरिक हस्ती को लोग बेचारे क्या जाने। ये पागलों की महफिल है, यहां सयाने आदमी का काम नहीं। पागल गल को पालिया के संसारी सुख से ऊंचा सुख हृदयेश्वर का है, भक्ति का है। गल को पालिया पागल, ये सारा जगत पागल खाना है। कोई दाम का पागल, कोई नाम का पागल, कोई शादी का पागल, कोई बच्चों के पीछे पागल, कोई कुर्सी के पीछे पागल, कोई विरले विरले जो प्रभु के पीछे पागल होते। दाम दीवाना, नाम दीवाना, चाम दीवाना कोई, दाम दीवाना, नाम दीवाना, चाम दीवाना कोई, कोई दाम का दीवाना, कोई नाम का दीवाना, कोई पद का दीवाना, कुर्सी का दीवाना। दाम दीवाना दाम न पायो, पद दीवाना पद न ले गयो, चाम दीवाना चाम न पायो, जुग जुग में भटकायो, राम दीवाना राम समायो, बनो दीवाना सोई। भगवान के दीवाने भगवान को पा लेते हैं, दुनिया के दीवाने दुनिया को तो छोड़ के मरते हैं। दुनिया के दीवाने तो दुनिया की चीजों को छोड़ के मरते, लेकिन भगवान का दीवाना तो भगवान को पाकर अमर हो जाता। तो ये दीवानों की महफिल है।